जैसा कि दोस्तों आप मेरे पीछे देख रहे हो, बड़ा खूबसूरत सा वॉल आर्ट मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। अगर आपको ये वॉल आर्ट पसंद आ रहा है, प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर करें। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने घर में एक बहुत खूबसूरत सा वॉल आर्ट बना सकते हैं, जो कि आप मेरे पीछे बना हुआ देख रहे हैं। तो इसको बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए? इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए ये कुछ ब्लैक पेपर्स, चार्ट पेपर, ब्लैक चार्ट पेपर, ब्राइट कलर के दो कलर, एक ग्रीन तो कंपलसरी है। इसमें ब्राइट कलर का आप दूसरा चार्ट पेपर यूज़ कर सकते हैं, जो आपके आसपास एबिलिटी के हिसाब से होगा। ये सारे दोस्तों जो पेपर आप देख रहे हो, सारे मेरे रीयूज पेपर हैं। मैं इनको पहले भी किसी आर्ट क्राफ्ट में अपने यूज़ कर चुका हूँ, उसमें से कुछ कुछ पार्ट बच गया था तो मैंने बचा के रख लिया है। जैसा मैं आपको हमेशा अपनी वीडियो में बताता हूँ, कोई भी पेपर कभी वेस्ट नहीं होता, उसी प्रकार ये फिर से आज रीयूज़ होने वाले हैं। सबसे पहले जो हमको करना होगा, हमको चाहिए जो हमारे पास में सबसे बड़ा और सबसे अच्छा वो होगा पेपर, वो चाहिए होगा सबसे पहले। इसके अंदर में आपको करना सिंपल सा यही होगा, जैसे मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि आपको पेड़ बनाना होगा, उसी पेड़ का एक डाल बनाना है आज हमको। और उस डाल के लिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एक मोटे वाले पार्ट से। आप यहाँ पे देखोगे कि मैं यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़ों में बनाता हूँ ड्राइंग्स, क्योंकि मुझे पता होता है कि मैं किस हिसाब से इसको आगे पेस्ट करूँगा, जिसकी वजह से मेरा पेपर वेस्ट ना हो और मेरा आर्ट एंड क्राफ्ट भी कंप्लीट हो जाए। और अगर आपके पास में ये पूरा बड़ा सा चार्ट पेपर है तो आप इसको एक ही बार में ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि ये देखिए, ये मान के चलिए मेरा चार्ट पेपर कंप्लीट हो रहा है आगे की तरफ। मैं इसको क्या करूँगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमको पेड़ का एक ब्रांच बनाना है, मैंने यहाँ तक की अभी अपनी ड्रॉइंग कंप्लीट करी थी, अब मैं इसको आगे और कैरी ऑन करता हूँ। दोस्तों हमेशा एक बात का ध्यान रखना, अगर आप पेड़ वगैरह ऐसी कोई चीज़ें हमेशा कभी भी ड्रॉ कर रहे हो तो इसके अंदर में इसकी कोई भी डाल टहनी सीधी स्ट्रेट नहीं होती है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे टेढ़ी मेढ़ी होती है। और ये मैंने इसका छोटा सा पार्ट अभी ड्रॉ कर लिया है, बाकी का पार्ट जो इसके पेपर वेस्ट निकलेंगे मैं उसमें से ड्रॉ कर लूँगा। ये हो गया हमारे ब्रांच की तैयारी। अब बात करते हैं हम इस ऑरेंज वाले पे क्या करेंगे, या फिर जो हमारे पास में दूसरा ब्राइट कलर का पेपर है हम इसके साथ में क्या करेंगे। तो आपको सिंपल से ये पेपर लेना है, इसके ऊपर में एक बड़ा सर्कल ड्रॉ करना है, आपको एक इसी के ऊपर में एक सर्कल और बनाना होगा। आप मेरे पास में पानी की बोतल देख रहे होगे, इसका रखने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि गर्मी बढ़ती जा रही है और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, जैसे कि मैं भी पीता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा पानी, जो कि आपकी सेहत के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और आजकल बच्चे खेलने के चक्कर में पानी पीना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। तभी दोस्तों देख सकते हो मेरे इस वीडियो के अंदर में ये एक बर्ड टाइप का आपको कुछ दिख रहा होगा, ठीक है। मैं अब इस बर्ड को आगे का आपको बताता हूँ इसको कंप्लीट कैसे करते हैं। तब भी हम अपना ये ग्रीन कलर का पेपर उठा लेते हैं, इसमें हमको दो या तीन लीव्स बनानी होंगी, जो कि जब ये आप इस पे लीव्स ड्रॉ करेंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि लीव्स का साइज एक जैसा ना हो, एक जैसा साइज रखोगे तो देखने में कम अट्रैक्टिव लगेगा आप लोगों को। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि मैंने इन सबका बेसिक स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है अपने मॉडल का, अब मैं आप लोगों को इसको कट करके और दिखाता हूँ कि आप इसमें कैसे कर सकते हो। कि आप देख सकते हो कि छोटा सा शेप मिल चुका है हमारे बर्ड को। जैसा कि आप सभी देख रहे हो मेरा बर्ड तैयार हो चुका है, यह आपके ऊपर में डिपेंड करता है, आप इस बर्ड को कितना अच्छा बनाना चाहते हैं यह आपके हाथ में। फिलहाल तो मैंने ये टाइम पास का थोड़ा बना दिया है आपको समझाने के लिए।
ये दूसरी तरफ मैंने सारे पेपर को जोड़ जोड़ के ये लंबा सा एक ट्री टाइप का शेप दे दिया है और अलग से इसके लिए तीन लीव्स कटिंग कर ली। अब मैं इन सबको पेस्ट करके आपको बताने जा रहा हूँ कि ये आप कैसे पेस्ट कर सकते हो वॉल पे। जैसा कि दोस्तों आप मेरे पीछे देख रहे हो, बड़ा खूबसूरत सा वॉल आर्ट मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। अगर आपको ये वॉल आर्ट पसंद आ रहा है, प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर करें। और जाते जाते मैं आखिरी में आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ, वो ये है, जब मंजिल हो दूर तो हौसलों के पंख और तेज़ी से भरने चाहिए, और जब अपने ही सपोर्ट ना करें तो दोस्तों मेहनत डबल करनी चाहिए। नमस्कार।